अब हम बात करते हैं डोंट हैव 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 टू 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 या फिर डेंट का यूज कहाँ पे करते हैं इन गाय लास्ट वीडियो आई टॉट यू जब भी कोई काम आपको करना है तो वहां पे हैज टू या हैव टू का यूज करते हैं सिंगलर सब्जेक्ट के साथ हैज टू एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव टू ओके तो उसी तरह से जब भी कोई काम नहीं करना है ओके okay? नहीं करना है मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेगेटिव सेंटेंसेस जब भी हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे कि मीन्स अगर आपको कोई काम नहीं करना है या नहीं करना पड़ता है तो वहां पे आपको यूज़ करना है डोंट हैव टू या फिर डजेंट का नाउ क्वेश्चन हैज टू का हैव टू का यूज़ कहाँ पे करें या फिर डोंट हैव टू का यूज कहाँ पे करें तो गाइज जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आई वी यू दे के साथ हैव टू का यूज़ करते हैं तो वहां पे आपको कर यूज करना है आई वी यू दे के साथ डोंट हैव टू का यूज़ करना है ओके एंड ही शीट के साथ जहां मैंने बताया था हैज़ टू का यूज करना है तो अब वहां पे आपको यूज करना है क्या यूज करना है हाँ, ये याद रखिए डजेंट है डजेंट करिएगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है कि मैम ये तो हैज टू आना चाहिए ही इट के साथ ये सिंगलर सब्जेक्ट है आप डू का यूज कर रहे हो डे टू क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि आप डू में ऑलरेडी चेंजिंग कर चुके हो डोंट है डजेंट बोल दिया है मीन्स डोंट की जगह पे आपने डजन बोल दिया है तो ऑलरेडी चेंजिंग हो चुकी है जब एक बार चेंजिंग हो चुकी है तो बार बार अब करना ही नहीं है ठीक है तो अब कहीं भी आपका डजेंट है वाला है अब आएगा सिर्फ डजेंट है सिर्फ अफॉर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस में आपको हैज टू का यूज करना है बाकी कहीं पे भी आपको हैज टू का यूज नहीं करना है नेगेटिव हो इंट्रोगेटिव हो हर जगह पे आपको डजेंट है हैव टू हाँ सिंगलर सब्जेक्ट के साथ भी ओके okay? मेरे कुछ स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया कि मैम आई भी तो सिंगलर सब्जेक्ट होता है तो फिर हम आई के साथ डोंट का यूज क्यों कर रहे हैं आई डोंट हैव टू क्यों बोल रहे हैं आई डजेंट चाहिए सो गाइज यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लीजिए आई इज़ द फर्स्ट पर्सन ओके फॉर फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन यू हैव टू यूज डोंट हैव टू आई मै फर्स्ट पर्सन यू आप सामने वाले से बात कर रहे हो यू इज़ द सेकेंड पर्सन तो आपको आई एंड यू के साथ हैव टू का यूज करना है एंड अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो डोंट हैव टू का यूज करना है ओके आई डोंट हैव टू और यू डोंट हैव टू ओके, okay? लेकिन हम सामने वाले से किसी थर्ड पर्सन की बात करेंगे किसी और इंसान की बात करेंगे तो वहां पे आपको यूज करना है का का या फिर हैव टू यूज करना है वंस अगेन आई एम कमिंग टू द पॉइंट जब भी कोई काम हमें नहीं करना है मुझे नहीं करना है आपको नहीं करना है या किसी और को नहीं करना है तो वहां पे हमें डोंट हैव टू या फिर डजेंट हैव टू का यूज करना है के के साथ साथ का का करना करना है है फॉर एग्जाम्पल मुझे सफलता हासिल नहीं करनी है करनी है लेकिन फॉर द सेंटेंस आई टेलिंग यू आई हैव टू अचीव द सक्सेस तुम्हें सफलता हासिल नहीं करनी है यू डोंट द सक्सेस उसे सफलता हासिल नहीं करनी है ही डजेंट अचीव द सक्सेस ओके करनी है लेकिन जस्ट फॉर सेंटेंस आई एम टेलिंग यू ओके सबको सफलता हासिल करनी है एवरीबडी द सक्सेस आई डोंट हैव टू टेक द एडमिशन यू डोंट हैव टू टेक द एडमिशन एंड ही डजेंट द एडमिशन क्लियर फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन यू एंड यू हम आपसे बात कर रहे हैं तो किसी और की बात कर रहे हैं तो ये क्या है थर्ड पर्सन है तो आई डोंट हैव टू he doesn't have to. All right. So he, she, it के साथ या singular subject के साथ किसी एक के name के साथ आपको doesn't have to का ka use करना है और I, we, you, they and plural subject के साथ या फिर एक से ज्यादा name के साथ आपको don't have to का ka use करना है Okay? I'm going to give examples. Now you can listen. मुझे नहीं जाना है I don't have to go. तुम्हें नहीं जाना है You don't have to go. उसे नहीं जाना है ही डजेंट है मुझे नहीं खेलना है आई डोंट है नहीं खेलना है यू डोंव टू प्ले उसे नहीं खेलना है मुझे नहीं समझना है आई डोंट है नहीं समझना है यू डोंट है उसे नहीं समझना है He doesn't have to understand. Okay? ही डजेंट है अगर हम किसी का नाम ले लें जैन को नहीं समझना है नहीं खेलना है क्या होगा मुझे मुझे हिस्सा नहीं लेना है क्या होगा तुम्हें हिस्सा नहीं लेना है क्या बोलोगे यू डोंट हैिपेट ओके एंड उसे हिस्सा नहीं लेना है चलो हम फीमेल की बात कर लेते उसे हिस्सा नहीं लेना है तो क्या हो जाएगा शी

और आप बहुत अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन सकते हो मुझे एंड्रॉयड फ़ोन नहीं लेना है उसे एंड्रॉयड फ़ोन नहीं लेना है या फिर मुझे एंड्रॉयड फ़ोन नहीं लेना था इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं कौन सा मॉडल वर्ब यूज होगा ये आप कमेंट में बताइए एंड अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वॉर यू वेटिंग फॉर सब्सक्राइब नाउ एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा बाय